चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। खुद को बचाने के लिए जरदारी और नवाज शरीफ चेयरमैन नैब लाए, कप्तान का इल्जाम। कहते हैं शरीफ खानदान ने अदालत में जाली दस्तावेजात जमा कराई। पूरी हुकूमत नाहिर शख्स को बचाने के लिए काम कर रही है। लोगों को रोजगार देना पीपल्स पार्टी की शनाख्त है। उनका बस चलता तो ये पूरा पाकिस्तान भेज देते। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहते हैं जिंदगी में मियां साहब और खान साहब जैसे लोग आते हैं, कौम को इनसे होशियार रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का NFO में इमरान खान के मुमकिन जलसे का नोटिस। जिला इंतजामिया को जलसे की इजाजत न देने की हिदायत। कप्तान ने 13 अक्टूबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया था। सेनेट में इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल 2017 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। बिल वजीर कानून जाहिद हामिद ने पेश किया। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ का पार्टी इलेक्शन का रदम करार देने की इस्तेदा। पाक बहरिया के नए सरबराह जफर महमूद अब्बासी की आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात। पेशा वाराना मूड पर तबादला ख्याल। चीफ ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। कराची के चाकू मारकर सुप्रीम कोर्ट में भी तस्करा। क्या चाकू मारने वाला हाथ नहीं आया? जस्टिस दोस्त मोहम्मद खोसा का इस्तफसार। IG को हटाने के लिए ऐसे हालात पैदा। वकील जुल्फकार भुट्टा का जवाब। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बरहम कहा, आपको क्या पता चाकू मारने वाला कौन है? क्या ऐसे रहे हैं जैसे सब पता है? लालकाना में जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 6 मुसाफिर जां बहक, 40 से ज्यादा जख्मी। कंक्रीट के जंगल सूरज का मिजाज आज भी बरहम। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की लहर 3 रोज तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। और PSL की छुट्टी। फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान ने 9 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। शोएब मलिक, कैरन पोलार्ड, कुमार सिंगाकारा, सोहेल तनवीर, मोहम्मद इरफान मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होंगे।